तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज तुम्हारे भाई का थोबड़ा ओबड़ा सब उतरल है और आज अपन देखो किस पे आए। वेगो नॉट वेगा, वेगा इज कंपनी ऑफ हेलमेट एंड एक्सेट्रा। वेगो पे आए क्योंकि अपनी R15 का सीन हो चुका है। आपको तो सभी को पता ही है कि क्या सीन हुआ, उसका डिस्प्ले वगैरह उड़ चुका है, तो वो मैं चला नहीं रहा हूँ। वैसे भी मैं आज पूना गया था तो न क्या बोल यार, मतलब बोलने का भी मूड नहीं होता, इतना सैड हूँ मैं उस चीज़ पे। बट कोई ना, आज का टॉपिक है बेस्ट माइक फॉर मोटर व्लॉगिंग बिगिनर्स। और गाइज उसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा, कोई ऐसा आवाज़ आता है खेर खेर चीर चीर वगैरह, तो इसको भी रिड्यूस कैसे करें उसके बारे में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा। तो आप आखिरी तक व्लॉग ज़रूर देखना। मोटिवेट हो रहा हूँ, वॉच टाइम भी बहुत स्लो बढ़ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि उम्मीद ख़त्म हो रही है। तो उम्मीद ख़त्म हो इससे पहले थोड़ा सा हेल्प कर दो, इतना मज़ा आ जाएगा यार। मतलब सब्सक्राइबर से भले ही मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ना पहले पड़ता था ना अब करो ना करो, वो तो आपकी मर्ज़ी है। बट आखिरी तक वीडियो ज़रूर देखो जिससे कि टाइम वॉच मेरा कंप्लीट हो जाए यार। मतलब 4000 करना होता है, मेरा आधा ही हुआ है, तो आप समझ सकते हो कितनी मेहनत करनी पड़ रही है तब जाके हो रहा है। आगे भी करूँगा, मेरे पास बाइक नहीं है बट अपने दोस्त की बाइक लेके जा रहा हूँ और कर रहा हूँ। एक का कमेंट आया था कि जिगजैग जाके व्लॉग बनाओ क्योंकि बारिश के मौसम में पूरा हरियाली हो जाता है उधर, तो पीछे बैठा है ना रील्स वगैरह बनाता है वो, तो मैंने सोचा हेल्प कर देते उसे भी, तो काम में काम दोनों हो जाएंगे। झोंड आ रहा है, झोंड अगर पढ़ाई नहीं करेगा ना इसमें ही आएगा तू ही। मैं तो यही चाहता हूँ बिजनेस स्टडी वगैरह से ज़्यादा पैसा बिजनेस में, ये तो सभी को पता है कोई भी बिजनेस हो। यस नहीं, ये क्लिप हम डाल देंगे। यस ब्रो, फर्स्ट स्कूटी व्लॉगर एवर। जाने तो भाई बहुत बुरे दिन देखे यार मैंने तो स्कूटी पे व्लॉग बनाने से थोड़ी ना मतलब कम होगा या कुछ होगा, क्या बोलो यार। शर्माते हैं बंदे लोग कि हमारे पास सुपर बाइक होनी चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, मैं स्कूटी पे बना रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, चलता रहता है भाई, जिंदगी इसी का नाम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेंगे, मेहनत करेंगे तभी तो आगे जाएंगे, वरना जिधर के उधर ही रहेंगे ईगो। तो सबसे पहले मैं आपको एक माइक रिकमेंड करूंगा जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, या तो अगर एकदम बेस्ट वाला चाहिए मतलब जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके लिए आपको इंस्टाग्राम पर DM करना पड़ेगा। लाइक वो लिंक शेयर नहीं कर सकता, या तो मतलब समझता नहीं यार मैं, भूल जाता हूँ बार बार, तो आपको याद दिला रहा हूँ कि आप इंस्टाग्राम पर आके ले सकते हो लिंक, तो आपको सही से लिंक दे दूंगा और आप ट्राई भी करना। बेस्ट माइक है, हाई स्पीड वगैरह मतलब हाई स्पीड इतना भी हाई स्पीड नहीं, अगर तुम 80-90-100 तक चलोगे तो क्लियर कैप्चर करेगा, थोड़ा सा एयर विंड तो आएगा ही क्योंकि माइक वैसे प्राइस में मिल रहा है। माइक की प्राइस भी बहुत कम है, 350 या समथिंग ऐसे ही है, मुझे एग्जैक्टली भी पता नहीं है कि कितना है, बट 500 के अंदर ही है। मैं आपको बाद में बता दूंगा कि प्राइस कितना है क्या कितना है, अब ज़रूर ट्राई करना। मैं तो हमेशा रिकमेंड करूंगा कि एक बार भाई एक बार ज़रूर ट्राई करो। अगर आपके पास वो माइक है तब भी अगर ऐसा हो रहा है तो इसके ऊपर भी टिप्स दूंगा, उधर जाता है फिर। और ये चेक करो, पूरे बादल भरे, ओ बारिश बहुत हो रही है यार हमारे इधर, व्लॉग बनाने का भी टाइम नहीं मिल रहा है, इस बंदे को रील्स बनाने पड़ते हैं तो ये भी बंदा डीएक्टिव होता है इंस्टाग्राम पे, बिकॉज वेदर बहुत ख़राब है। ऐसा लगता है कि कब मतलब ये सब हटेगा, कब पूरा धूप वगैरह सही से आएगा जिसमें वीडियो बना सकें। एक तो मैं इधर आने के लिए क्यों मना करता हूँ पता है, इधर के रोड्स बहुत ख़राब है, ये जो रोड्स है पहले इतने मज़ेदार हुआ करते थे, बट इनने क्या किया, ब्रीफ बढ़ाने के चक्कर में पूरा रोड का ही अम्मा बहन एक कर दिया। ऐसे उबड़ खाबड़ रोड पे मज़ा भी नहीं आता है व्लॉग बनाने में, सही से बोल भी नहीं पाता हूँ क्योंकि बीच में अटक जाता है बोलना, जैसे कोई स्पीड ब्रेकर या तो कोई हो वो। और सॉरी आज थोड़ा पावर लो है, आपको तो पता ही है एक बाइकर की लाइफ कैसी होती है, जब उसके बाइक को कुछ होता है तो मर जाता है यार वो इंसान, जीते जी मर जाता है अगर कुछ थोड़ा भी है हो तो। इससे अच्छा समझ सकते हो यार, तो थोड़ा सा समझ के लो तुम्हारे भाई को, तुम्हारा भाई हमेशा फुल पावर में रहता है, बट बाइक को अगर कुछ हो जाए तो पावर ओवर सब ख़त्म, कुछ नहीं रहता है, फिर मैं एक जस्ट नॉर्मल सा बंदा बन जाता हूँ जिसके पास कुछ नहीं है, पूरा ख़त्म हो चुका है ऐसा लगता है। एज एयर विंड रोकने की एक बढ़िया सी आइडिया बताओ आपको, वो है आपका हेलमेट। हेलमेट साइड अगर परफेक्ट हो तो सही होता है, अगर आपको M आ रही है तो आप S लेके ट्राई करो,
थोड़ा सा टाइट लोगे उतना ही परफेक्ट आवाज़ आएगा। पहले मेरा एल था तो उसमें एयर विंड इतना आता था, बस रे बस भाई ऐसा लगता था मेरी आवाज़ से तो एयर विंड चल रहा है, मतलब खाली गोप्रो लगा दो उसमें ही मज़ा आ जाएगा, यूलानसी वगैरह लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे आवाज़ आ रहा था उसमें। तो उसके बाद मैंने हेलमेट अपग्रेड किया सीधा KYT, अभी जो मैंने पहना है वो KYT है। KYT में एकदम कंफर्ट है यार, मज़ा आ जाता है KYT, बस वाइज़र थोड़ा सा हार्डली यू नो ओपन होने में दिक्कत करता है, बाकी तो सब सही है, मज़ा आता है KYT में कंफर्ट के साथ, पूरा टाइट। सेफ्टी भी बढ़िया से मिल जाती है KYT में, तो आई थिंक बेटर ऑप्शन है ये। वीडियो छोटी ही होगी बट इन्फॉर्मेटिव होगी, और अभी मैं सीधा आपको स्पॉट पे लेके जाता हूँ, फिर आपको पूरे डिटेल्स बताता हूँ। और आज मैंने चप्पल पहनी है, क्यों? क्योंकि मैं ऐसा ही मतलब थक हार के आया था पूना साइड से, तो ताकत भी नहीं थी मेरे में, बट अपना चल रहा है 100 ब्लॉग्स, तो उसमें मेहनत के लिए करना पड़ता है जैसे तैसे, सॉरी वो फ्लिप फ्लॉप के लिए, और थक रहा हूँ मैं बहुत, मतलब सर्वर दर्द दे रहा है मेरा वैसे भी। तुम्हारा भाई ट्राई हार्ड कर रहा है कि चैलेंज ना टूटे, डेली व्लॉग्स आए, हो थक रहा हूँ मैं आज बहुत, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। गाइस इट्स टाइम फॉर शूटिंग, शूट चल रहा है इधर, जारी रखो यार शूट तुम्हारा, हमें तो क्या है। गाइस सामने का व्यू चेक करो, और ये रहा अपना KYT, इट्स इसका ही आईफोन है, ये चेक करो, मोटा खर्चा किया बट कब कितने में पड़ा तेरे को? मेरे को पड़ा वो अभी 55। यस बिग बिलियन डेज चल रहे उसमें 15,000 का ये हुआ, बट कोई ना ऑफ स्टोर से लिया तो कैसा ट्रस्ट होता है एक। सो ये है मेरा KYT एंड ये रहा GoPro। अभी एयर विंड कैसा काम करा है इधर देखो, ये चेक करो माइक किधर है, इधर माइक से क्या होता है एयर विंड नहीं लगता है, और अगर आपके पास जो मैंने आपको रिकमेंड किया है माइक वो है और तब भी काम नहीं कर रहा है मतलब सही से, तो प्रॉब्लम इसमें है, ये चेक करो ये जो दिख रहा है ना इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जरूर ट्राई करना ये ट्रिक। और बहुत दिनों बाद मेरी मुंह दिखाई हो रही है, तो चलो आज का ब्लॉग इधर ही एंड करते हैं, मेरे थोड़े वैसे भी 12 ही बजे, क्योंकि बाइक अपना प्रॉब्लम दे रही है थोड़ा, सो कुछ नहीं, बाय बाय।